देखिए जय हिंद। हमने जो है कॉमन कैटेगरीज और क्वाड्रेटिक अभी तक जो है मतलब पीजीटी मैथ सिलेबस में ख़त्म कर लिया है ना। अब हम आज जो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स होता क्या है? ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी है एक। ठीक, ये हमारी क्या है, एक बॉडी है। ठीक ठीक और इसे मोशन में मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मोशन में ना हो। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी है और वो मोशन में ना हो। और डायनामिक्स का मतलब जो होता है, ठीक, डायनामिक्स का मतलब होता है कि कोई बॉडी है और वो मोशन में हो। ठीक, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, डायनामिक्स खैर बाद में पढ़ाएंगे। तो आज हम मोशन वो स्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक्स क्या होता है ये तुम्हें ध्यान देना है। स्टैटिक्स में हमने क्या बताया कि कोई बॉडी हो और वो मोशन में ना हो। ठीक है, मतलब रुकी हुई हो। और डायनेमिक्स का मतलब वो जो है बॉडी क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, ठीक है, कि बॉडी जो हमारी है वो इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि मोशन में हो या मोशन में ना हो, इक्विलिब्रियम के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो बॉडी है वो मोशन में नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब जो उसकी मतलब पोजीशन है वो उसी पोजीशन मतलब रुकी रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक, अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब चल रही है। ठीक, और वेलोसिटी उसकी क्या है, सेम है। वेलोसिटी उसकी मान लो क्या है, सेम है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि वो जो है इक्विलिब्रियम में है। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और ये चल रही है। ठीक, और वेलोसिटी उसकी सेम है, तो वो जो है हमारी, हम ये कहें कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो वो डायनामिक्स में होता है। स्टैटिक्स में बॉडी जो है क्या होती है, रुकी होती है, वो भी एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत होते हैं। ठीक है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस देखते रहिएगा, समझते रहिए क्या जो है इसमें डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो आज हम स्टैटिक्स में एक जो है बात जो कहेंगे कि इसमें जो बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई हैवी बॉडी है ना। सपोज दैट स्टैटिक्स में ये हमारे पास बॉडी है, ये क्या है, बॉडी। ठीक, समझ रहे हो? और ये हैवी बॉडी में हमने क्या किया कि हम एक इसमें जो है छोटा सा फोर्स लगा दें। एक हमने छोटा सा फोर्स लगाएं, मान लो हमारे घर में कोई बॉक्सर रखा है, उसमें कपड़े हैं। ठीक है, और जो है मतलब हमने उसमें फोर्स लगाएं, तो हो सकता है कि वो मतलब उसमें मोशन हो या ना हो। तो अगर वो बॉडी मतलब हमारे फोर्स से ज़्यादा है तो वो मोशन नहीं होगी, है ना उसमें। और उसमें एक फ्रिक्शन और जो एक जो फोर्स और कार्य करेगा, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, है ना, घर्षण बल हिंदी में बोलते हैं। तो जो इसके बॉडी के प्लेन पर और जो ये पृथ्वी मतलब है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स जो है कार्य करेगा, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसको भी हम जो है फ्रिक्शन फोर्स को भी हम यहाँ पर शून्य मान के चलेंगे।
और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कब फ्रिक्शन फोर्स जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हम शून्य मान के चलेंगे, ठीक। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कहीं जो है एक फोर्स मान लो लगा है, ठीक है, और उसको बैलेंस कर रहा है। तो फोर्स जो है हमारा इसमें मान लो कि हमने इसमें दो फोर्स लगाया है, ये बात समझो। मान लो हमने इसमें टू फोर्स लगाया, एक इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, और ये हमारा F1 है, और एक इधर से फोर्स लगाया, ये हमारा F2 है। हमने इसमें दो फोर्स जो है अप्लाई किए, ठीक है। तो जब हम दो फोर्स अप्लाई किए तो हम ये देखते हैं कि हो सकता है बॉडी हमारी, ठीक है, आगे मूव कर जाए, हो सकता है बॉडी हमारी मूव कर जाए या पीछे मूव कर जाए या मूव ना करे, ठीक है। तो अगर इधर बॉडी जाती है तो मतलब क्या हुआ कि इसका फोर्स ज्यादा है, अगर इधर बॉडी आती तो मतलब इधर वाले का फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, और यदि ना इधर को जाती ना इधर को जाती तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 है हमारा फोर्स वो F2 के क्या है, इक्वल है, ठीक। समझ में आया, अगर बॉडी स्थिर है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 और F2 हमारे दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक, वो शून्य होगा, ठीक, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। मतलब हम इसका जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब हमें किसी बॉडी का जो है रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है, उसमें कोई फोर्स हम अप्लाई करें तो उसको जो है उनका जो टोटल इफेक्ट है ना इन फोर्स का, उसे शून्य होना पड़ेगा, उसे शून्य होना पड़ेगा। मान लो ऐसे कर दिया जाए, मान लो ये हमारा जो है, ठीक, बॉडी है, इसमें एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है ना, और ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तीन फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हमें इसमें जो है और बड़ी मतलब बॉडी हमारी काहे में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टे है, रुकी हुई है, ठीक है, मोशन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो टोटल इफेक्ट होगा वो शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। मतलब बॉडी में जो है कई फोर्स लगे हों तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो टोटल इफेक्ट होगा वो शून्य होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इसका टोटल जो इफेक्ट आएगा ना, टोटल इफेक्ट वो शून्य करना पड़ेगा, मतलब शून्य के इक्वल करना पड़ेगा, तब जो है उसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां पर मान लो अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स को, फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो कर दें, है ना, और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो फ्रिक्शन भी हमारा क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मतलब फ्रिक्शन जो है इनके बीच वो भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन हमने पहले बताया कि इसको हमें शून्य लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मेन बात ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं या उससे ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और बॉडी हमारी स्टे है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक, तो उसको अगर टोटल यानी नेट जो है रिजल्टेंट हमें जो निकालना है तो इसका मतलब उसको टोटल इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा,
शून्य होगा, मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बातें जो सीखना है, ठीक है, और वो हमें क्या सीखना है इसमें कि हम इसका जो है रिजल्टेंट, जो नेट रिजल्टेंट है, वो हम कैसे जो है निकालेंगे। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में हो उसमें जो है फोर्स अप्लाई किए जाए, तो इसमें मेथड क्या होता है। ठीक, यहाँ पर हम जनरली क्या करेंगे, फोर्स को जो है डील करेंगे। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हम फोर्स को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक, और फोर्स हमारा जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। फोर्स हमारा ये जो होता है वो क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी ये भी एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक, तो ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं, या हमारे मतलब यहां फोर्स से ये मतलब है, ठीक, कि यदि कोई बॉडी है और उस पर मान लो कि, ठीक, कोई बॉडी है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया इतना कि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो कोई बॉडी है और उस पर मान लो F1, F2, F3 और F4, ये इतने फोर्स जो है उसमें लग रहे हैं कोई बॉडी में। और मान लिया हमने, ये मान लो, मान लिया कि हमारा F1 जो है वो 2 न्यूटन है, कितना है, 2 न्यूटन। ठीक, F1 हमारा कितना है, 2 न्यूटन है। मतलब ये तो नहीं बताया गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, उसमें जो है उसकी डायरेक्शन भी मतलब मालूम हो। ठीक है, तो F1 हमारा जो यहाँ पर क्या है, 2n है। ठीक, F1 हमारा 2n है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि इसकी डायरेक्शन जो है कहाँ है, इसमें ये नहीं बताया गया कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ठीक है, या मैं कह दूँ कि जो F1 की डायरेक्शन है 2n, वो ईस्ट है, कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है। ठीक, या मैं कह दूँ कि F1 की जो डायरेक्शन है 2n, वो वेस्ट की तरफ है ना, या ऐसा मैं कह दूं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें साथ में जो है डायरेक्शन को भी बता दिया जाए। ठीक, तो हम यहां पर देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मान लो ये F1 है और इस पर जो फोर्स लग रहे हैं, तो एक इसकी डायरेक्शन ईस्ट है और एक इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। ठीक, समझ में आया। तो इसमें दो मतलब फोर्स हैं जिनकी डायरेक्शन मान लो मैंने कह दिया कि ईस्ट है, एक वेस्ट है। ठीक, या इसमें कह सकता हूँ कि ऐसा भी हो, ठीक, कि इसमें ऐसा भी हो कि कोई एक फोर्स जो है ऐसे लग रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ना तो ये फोर्स ईस्ट है, ना तो ये जो है वेस्ट है ना, ना नॉर्थ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, ना तो ये ईस्ट है और ना वेस्ट है, तो इसकी डायरेक्शन को हम
ठीक है। ऐसी जो है मतलब क्वेश्चन में इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमें उसे वेक्टर क्वांटिटी बनाना होगा, ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म आप लोग जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ हमारा आई कैप प्लस जे कैप इस फॉर्म में जो है हम लिखते हैं, है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और मान लो ये या ऐसे कह दें कि 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, यह फोन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक। तो अगर हम इसी इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके करेंगे तो ये जो है इसके लिए इसकी डायरेक्शन, ठीक है, और इसका नेट जो है रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, समझ में आया। मतलब कोई किसी बॉडी पर है ना, कोई दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो हम उसके जो है रिजल्टेंट निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद, और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में हम डायरेक्शन जो है नहीं मालूम कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इसमें इसमें हम जो है ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जब वेक्टर फॉर्म में लिख लेते तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है जब किसी फोर्स को जो हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, उसमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगी और मैग्नीट्यूड भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर, और ये भी आप जानते हैं कि जो आई होता है आई कैप, ये एक्स एक्सिस के एलांग जो है क्या होता है, ये एक्स एक्सिस के एलांग जो है यूनिट वेक्टर होता है आई, ये भी ध्यान रखना, बहुत लोग न जानते होंगे। जो आई कैप होता है ना, ये एक्स एक्सिस के एलांग, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, और जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के एलांग, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक, और जो के कैप है ये जेड एक्सिस के एलांग यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये बातें भी जो है ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब हम अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, जैसे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ एफ वन इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, है ना, प्लस जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एफ वन जो आएगा वो कितना आएगा, 4 प्लस 9 और प्लस 1, यानी कि एफ वन इज इक्वल टू 9 4 13 1 15 अंडर रूट 15। ये इसका जो है क्या आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 15, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। नाइन फोर थर्टीन वन फोर्टीन होगा, कितना होगा 14, मतलब ये 14 जो आया है ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो कहने का अर्थ ये है, ठीक है, कि अगर हम किन्हीं जो है फोर्सों को उनको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो हम उसके मैग्नीट्यूड और उसका रिजल्टेंट जो है आसानी से निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मान लो, ठीक, मान लो कि हमने कोई दो फोर्स जो है लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने
कोई दो फोर्स लिया, ध्यान समझना भी यहां से, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, मान लो कि हमने दो फोर्स इसमें से लिया, ठीक, और हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। और सबसे अच्छा मेथड मतलब इसके लिए क्या होगा कि फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अभी हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। मान लो हमारे पास दो फोर्स हैं, ठीक है, और हम उसको जो है मेथड में बताया कि सबसे पहले उसको हम किस में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद जो मैं ये बोल रहा हूँ सब सुनते जाना और नोट करना अच्छे से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद उनको जो है सम कर देंगे, ठीक, और सम करने के बाद हम उसका रिजल्टेंट जो है बता देंगे। ठीक, तो इसमें ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी हो तो भी उसका सम कर दें, ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें मिल जाता है, या एक्सीलरेशन हो और उसे वेक्टर फॉर्म में निकाल करके उसका सम कर दें तो हमें जो है मतलब क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर फोर्स को किस में लिख लें, वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखना, या एक्सीलरेशन इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, है ना, या वेलोसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, तो इनका जो है रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास दो फोर्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो, और हमें उसका रिजल्टेंट चाहिए। मान लो हमारे पास दो फोर्स हैं और हमें उसका रिजल्टेंट चाहिए। एक फोर्स ये है, ठीक, पी, ये क्या है, एक फोर्स पी है, ठीक, और एक फोर्स मान लो हमारा ये क्या है, क्यू है, क्या है ये, क्यू, ठीक। अब यहाँ पर हमें इसका जो है रिजल्टेंट जो है निकालना है, ठीक, तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, ठीक है, एक्टिंग एट, एक्टिंग एट पॉइंट, ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट है जिस पर दो फोर्स जो है लगे हुए हैं और हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना, हम क्या करेंगे इसमें, कि हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये हमारा मान लो ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, और हम इस पी, ये जो पी है फोर्स, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस, ठीक, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और जो p है वो x एक्सिस के एलांग लगा हुआ है, ठीक है, जो p फोर्स है ना हमारा, ये वो हमारे x एक्सिस के एलांग लगा हुआ है, ठीक। तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो pq है, ठीक, उसके बीच का जो एंगल है ना, वो क्या हमने कर लिया कि थीटा है, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हमें हमने एंगल मान लिया थीटा है, लेकिन जब तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ये बातें दी रहेंगी, ठीक है,
हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला कैसे लाते हैं वो हमें देखना है। तो अब हमने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, दो फोर्स मान लो एफ वन है एफ टू है, ठीक, तो इन पर मान लो हमें एफ वन को ख़त्म करना है, तो इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट दोनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इस फोर्स को अगर हम ख़त्म करें तो हम इसको लिखेंगे एफ वन कॉस थीटा और इसको लिखेंगे एफ वन साइन थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आया समझ में? ये हम बहुत पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसमें हमें ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा क्यू है इसके दो कंपोनेंट्स हैं ना, जो हमारा ये क्यू है ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट्स है क्यू कॉस थीटा और एक इसका जो कंपोनेंट्स है वो क्यू साइन थीटा, ठीक, क्यू साइन थीटा और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो मतलब कहने का ये हुआ अर्थ कि ये हमारा जो है रिजॉल्व हो जाएगा क्यू कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा में रिजॉल्व हो जाएगा ये फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम इस प्रकार से जो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसे जो है उसकी डायरेक्शन कैसे जो है निकलती वो हम पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक इसको हम दो जो है पार्ट में तोड़ सकते हैं, कॉस थीटा क्यू कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा, ठीक है, और एक्स एक्सिस के एलांग जो है ये था, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी जो होंगे, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड जो होंगे तो वो हमारे कुछ इस तरह से जो है मतलब होंगे, तो ये तो हमारा पॉइंट P है यहाँ तक, है ना, तो ये हमारा जो बनेगा ये P प्लस कॉस थीटा बनेगा, है ना, यहाँ तक का पॉइंट P है और ये कॉस थीटा है, तो ये P प्लस कॉस थीटा बनेगा। और ये हमारा x एक्सिस के एलांग था, है ना, ये x एक्सिस के एलांग है, ठीक, और हमारा एक जो बना वो q साइन थीटा बना। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में जो लिखेंगे, तो अगर हमारे ये x एक्सिस के एलांग है, ये x एक्सिस के एलांग है, है ना, तो इसमें हम i का मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस कॉस वो सॉरी यहाँ q कॉस थीटा इंटू आई होगा, और ये y एक्सिस के एलांग है तो इसमें हम q साइन थीटा j का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे j का, यूनिट वेक्टर j का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना ये बात, इस प्रकार से हमारे वेक्टर फॉर्म बन गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो फोर्स हैं, ठीक, और वो दोनों फोर्स हमारा यानी एफ वन इज इक्वल टू पी प्लस थीटा कॉस वो सॉरी क्यू कॉस थीटा और इनटू में
आई जो है आई कैप हो गया जो कि वेक्टर फॉर्म में है, और दूसरा हमारे पास दूसरा जो बना एफ टू, ठीक, वो हमारा क्यू साइन थीटा जे कैप है, ठीक है, क्यू साइन थीटा जे कैप, ये हमारे दो जो है फोर्स बन गए। अब ये वेक्टर फॉर्म में जब हमारे चेंज हो गए तो हमें इसको जो है इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो हमें मैग्नीट्यूड इसमें निकालना है, ठीक, मतलब सभी फोर्स को जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एलांग दो कंपोनेंट में हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है, और उसमें जो है कितने फोर्स हैं वो जो है टू डायमेंशन के बीच हमने क्या कर दिया, डील कर लिया, और अब हम इसमें इसका जो है क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। देखो 3D में जो होगा, जैसे के कैप इसमें नहीं आएगा, 3D इंटर में आपने पढ़ा होगा वो थोड़ा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 3D में वो कोसाइन के फॉर्म में कुछ ऐसे आता है, ठीक है, तो यहाँ हम 2D की भी बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है मतलब हम दो फोर्सों को ब्रेक कर लेंगे F1 और F2 के फॉर्म में, और ये हमारे वेक्टर फॉर्म में हो गए। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो मान लो कि यह रिजल्टेंट निकालेंगे, तो मान लो कि ये R है, तो R इज इक्वल टू हम दोनों को ऐड कर देंगे तो F1 प्लस F2, यानी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर F1 और प्लस वेक्टर F2, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने बताया था, ठीक है, कि इसको क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉड, तो इसको मॉड निकालेंगे तो F1 अंडर रूट, सॉरी F1 की वैल्यू क्या है, P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस F2 की वैल्यू क्या है, Q sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये, अब इसका रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो ये हमारा आर स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्क्वायर कर दें तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब उसका फिर मॉड हट जाता है ना, वो फिर इस प्रकार हो जाता है, तो वही हमने लिखा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आया है ना, तो अगर हम इसको पूरा जो है सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो पहले ये समझ लीजिए, ध्यान दीजिए कि ये वेक्टर फॉर्म में है तो आई जे के फॉर्म में ही होगा, ये हम मान लिए है ना, आई जे के फॉर्म में ही मतलब ये होगा, ठीक, यह मान लो हमारे पास मान लो एक वेक्टर एक्स है और वो हमारा अल्फा आई प्लस बीटा जे के फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू वेक्टर एक्स इज इक्वल टू जो हमारा होगा हम उसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना इसे, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, क्या हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं ये ऐसे, और इसकी डिस्टेंस अल्फा है और इसकी डिस्टेंस क्या है, बीटा है, ध्यान समझना, इसकी डिस्टेंस क्या है, बीटा है, ठीक, और मान लो कि ये वेक्टर एक्स है और ये पॉइंट है, ठीक, ये क्या है, ये पॉइंट है,
ये डिस्टेंस बीटा है, कितनी है बीटा है, ठीक। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जैसे हम इसको आर्डर पेयर में लिखेंगे तो वेक्टर एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा में लिखेंगे, मतलब ये इसका जो वेक्टर एक्स है वो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अगर हम इसको आर्डर पेयर में लिखेंगे तो हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में क्या है, ये जो ये वेक्टर होता है ना वह एक पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है, जो ये वेक्टर होते हैं ना वो एक पॉइंट को करस्पॉन्ड करते हैं, जो हमने यहाँ लिखा है अल्फा और बीटा, मतलब ये जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये तो मतलब कहने कि ये हमारे एक पॉइंट को करस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, मतलब जैसे हम अल्फा बीटा उस वेक्टर का जो है मतलब पॉइंट है और उनको जो है आर्डर पेयर में हमने लिया है ना, किसमें लिया आर्डर पेयर में लिया, तो ये हमारा बी है ये हमारा अल्फा है, मतलब बीटा है और ये अल्फा है ना, और हमने मान लिया कि इनके बीच का जो एंगल है ना ये कितना है फाई है, ये कितना है फाई, ध्यान समझना ये एंगल हमारा फाई है, हम बड़ा से बना रहे हैं, ये अल्फा है ये बीटा है और ये एंगल फाई है, क्या है फाई, और ये वेक्टर एक्स है, ठीक है। तो फाई हमारा ये बता रहा है कि वेक्टर का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन है, फाई हमारा बता रहा है कि वेक्टर वेक्टर का एक्स एक्सिस से क्या है डायरेक्शन है, ध्यान रखना, ठीक। और ये किसी वेक्टर का अगर हमें मतलब कहने के ये डायरेक्शन है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें किसी जो है वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो हम इस मेथड से जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, हम इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, किस मेथड से इसको हम लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, बीटा अपान अल्फा, मतलब यदि हम इसका इसका इसकी जो ये हमने फोर्स लगाए हैं ना दो फोर्स, इसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो हम इसका यूज करते हुए हम क्या लिख देंगे tan phi इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इस फार्मूले से हमारी जो उसकी डायरेक्शन निकल आएगी, ध्यान रखना इसे, ठीक। तो मतलब कहने का, ठीक है, ये क्या लिखेगा, ये हमारा किसका जे का कोफिशियंट है और ये आई का कोफिशियंट है, यहां भी जो बीटा और अल्फा है ना ये जे का कोफिशियंट है ये आई का कोफिशियंट, मतलब टेन फाइव इक्वल टू जे का कोफिशियंट अपॉन आई का कोफिशियंट, ये हमारा डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है, किसी भी दो फोर्स अगर किसी बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं अगर हमें उसकी डायरेक्शन निकालना हो तो हम इस फॉर्म से जो है इस फार्मूले का यूज करते हुए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज भी जो है नोट कर लेना, ठीक है, और इन्हें याद रखना। और इसमें ये हमारा फार्मूला हो गया डायरेक्शन निकालने का, है ना, और हम इसको यहां पर इसका रिजल्टेंट जो निकाल रहे थे इसको यहाँ पर हमने छोड़ दिया था यहाँ तक, तो इसको आगे करेंगे। देखिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पर ये हमारा इस तरह आया। अब इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये इस फॉर्म में जो है मतलब आएगा, ठीक।
अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा अंडर रूट। ये होता है फार्मूला, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। जब किसी बॉडी पर जो है मतलब दो फोर्स लगे हों, ठीक है, और हमें उसमें जो उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग निकाल सकते हैं। ध्यान रखना फार्मूला क्या हमने निकाला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो लिखो इसको। अच्छा यहाँ तक आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे। मान लो हमारे पास दो फोर्स हैं P और Q, है ना, दो फोर्स हैं P और Q, और वो हमारे ठीक, और उनका हमें रिजल्टेंट जो है निकालना है, और हम ये कह दें कि वह जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल के एलांग R है। ठीक है, मान लो जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स ये P है और एक फोर्स हमारा ऐसे कह दें, ये एक फोर्स हमारा P है और एक फोर्स हमारा ये Q है ना, ये दो फोर्स लग रहे हैं और हमें इसके डायगोनल के एलांग जो है मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल के एलांग हमें इसमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम बनेगा और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके डायगोनल के जो है एलांग आएगा, किसके एलांग आएगा, डायगोनल के एलांग आएगा। ठीक है, मतलब P और Q को अगर हम लेकर बनाएं, ठीक, तो अगर इनके डायगोनल के बीच का जो एंगल है वो मान लो कि फाई है, क्या है, फाई, और ये हमारा एंगल पूरा थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल हमारा पूरा थीटा है, तो मतलब इसमें दो फोर्स हैं, तो इसी को हम कहते हैं पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान रखना इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब हमें कोई हमारे पास इस प्रकार के फोर्स हो और एक पैरेललोग्राम बन जाए, उसके डायगोनल के एलांग हमें जो रिजल्टेंट निकालना हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात और ध्यान देना, यदि मैंने जो ये फार्मूला यहाँ पर फाइंड किया है, रिजल्टेंट निकाला है दो फोर्सों के लगने पर, तो मैंने क्या निकाला है रिजल्टेंट, यानी R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, तो अगर मैं इसमें कह दूं कि R मैक्सिमम कब होगा, R मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहेंगे सर कि P और Q को बढ़ाने पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन मैं कह दूं कि P और Q फिक्स हैं, P और Q क्या हैं, फिक्स्ड हैं, तो फिर क्या करोगे, तो कहोगे सर कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, है ना, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो कास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है, क्या होती है, वन। अब वन का मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जीरो, तभी तो हमें यहाँ पर वन मिलेगा। तो मतलब आर मैक्सिमम जो हमारा आएगा, ठीक है, वो आर मैक्सिमम हमारा क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, क्योंकि अब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई,
वन हो गई, हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू जो है मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा जो फॉर्म बनेगा ये पी प्लस क्यू का स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो ये हमारा पी प्लस क्यू आएगा। क्या आएगा? पी प्लस क्यू। यहाँ तक कोई बात किसी को दिक्कत? तो ये हमारा पी प्लस क्यू आएगा, मतलब फोर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। मतलब कहने का कि जिधर पी होगा, है ना, मान लो यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर पी है, तो जिधर फोर्स जो है पी होगा उधर ही हमारा जो है रिजल्टेंट, उधर ही हमारा रिजल्टेंट जो है होगा। ठीक है, मतलब आर हमारा इधर होगा। अब यहीं पर कहा जाए कि आर मिनिमम कब होगा, तो आर मिनिमम कब होगा, है ना, तो आर मिनिमम का मतलब क्या हुआ? ठीक, कि कॉस जो थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। क्या होती है? माइनस वन। तो माइनस वन का मतलब हमें कॉस थीटा की जगह में क्या लेना पड़ेगा? पाई लेना पड़ेगा, है ना, थीटा की जगह में क्या लेना पड़ेगा? पाई लेना पड़ेगा। तो जब हम पाई लेंगे तो ये हमारा माइनस वन होती है वैल्यू, है ना, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू अंडर रूट। तो ये हमारा आर मिनिमम जो बनेगा, आर मिनिमम जो बनेगा वो पी माइनस क्यू का स्क्वायर बनेगा अंडर रूट, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा पी माइनस क्यू जो है मिलेगा, है ना, आर मिनिमम। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर यहाँ p माइनस क्यू है, मतलब दोनों का डिफरेंस है, है ना, तो कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा? तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है, उसके लिए कंडीशन ये है कि क्या करेंगे, व्हेन p माइनस क्यू होगा जब p q से क्या होगा? ग्रेटर होगा, और q माइनस p होगा जब q p से ग्रेटर होगा। ये दो कंडीशन जो है लगाएंगे तो हमारे जो है आंसर निकल आएंगे, मतलब हम दो कंडीशन इसमें हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो जब आर मिनिमम निकालोगे तो यहां पर आर मिनिमम निकालने पर आर मिनिमम जो है निकालने पर हमें ठीक ये दो कंडीशन लेकर के चलना होगा। ठीक, अब इसके बाद कह दीजिए कि यदि p हमारा q के इक्वल है, p हमारा q के क्या है? इक्वल है। ठीक है, यदि हमारा p जो है q के इक्वल है, ठीक, तो हाँ एक बात इसमें और ध्यान दे लो, जब हमारा p माइनस क्यू, मतलब p हमारा q से बड़ा है तो रिजल्टेंट हमारा कहाँ प्राप्त होगा? p के एलांग ही आएगा, p की तरफ ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं q होगा, और जब हमारा q हमारा जो है बड़ा है p से, तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो q की तरफ आएगा, है ना, कहाँ पर आएगा? q की तरफ आएगा, और यहाँ p हो, क्योंकि यहाँ हमारा q जो है पॉजिटिव है, वो q हमारा यहाँ पर p से ग्रेटर है। और जब हमारा p इज इक्वल टू q होगा, जब p इज इक्वल टू q होगा तो यहाँ पर हम p के जगह में क्या रख देंगे? q रख देंगे। ठीक, तो p के स्थान पे q रखेंगे तो r इज इक्वल टू, अब ध्यान समझना, यहाँ पर हम रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से टू और पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस ये कॉस थीटा ये बनेगा। अब इसका रूट जो है ऐसे भी लिखा रहेगा तो टू पी स्क्वायर अब वन प्लस इसको लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन ये लिख सकते हैं ठीक। अब यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा और इसका रूट हटाएंगे इसका जो रूट हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो टू टू जब फोर हो जाएगा ना तो ये मतलब फोर पी स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा अंडर रूट में। तो ये हमारा दिस इंप्लाई दैट ये आएगा टू पी और कॉस थीटा बाई टू क्या आएगा टू पी कॉस थीटा बाई टू आएगा ठीक। जब हमारा पी क्यू के क्या है इक्वल है ठीक तो फोर्स जो है इक्वल हो तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी तो डायरेक्शन हमने भी बताया कि टैन फाई इक्वल टू पी क्योंकि इक्वल है तो क्यू साइन थीटा था और पी प्लस क्यू कॉस थीटा यही था ना। तो इसमें जब P को Q के इक्वल रखोगे तो tan phi इक्वल टू हमारा जो निकल करके आएगा ठीक वो हमारा tan थीटा बाई टू आएगा क्या आएगा tan थीटा बाई टू। इसको सॉल्व कर लेना cos थीटा का फार्मूला लिख देना ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q के स्थान पे P हो जाएगा ठीक और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो फाइव इक्वल टू मतलब हमारा थीटा बाई टू आ जाएगा। फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई टू आ जाएगा ठीक। मतलब कहने का कि जो हमने पैरेललोग्राम बनाया था और उसमें रिजल्टेंट आर था पी और क्यू के बीच तो उसका जो एंगल था ना ऐसे करके ये ऐसे ठीक तो ये हमने एंगल क्या लिया था थीटा लिया था है ना। तो ये वाला एंगल मतलब क्या हो जाएगा थीटा बाई टू हो जाएगा। मतलब कहने की जब पी इसके इक्वल होगा तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा वो एक जो है राइम्बस बन जाएगा क्या बन जाएगा और राइम्बस की डायगोनल ही अपने एंगल को जो है एक क्या करती हैं बाइसेक्ट करती हैं ऐसा समझ में। ये डायगोनल होगी वो अपने एंगल को क्या करेगी बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटती हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारे रिजल्टेंट्स थे ठीक है। तो इसमें है बहुत सारी बातें लेकिन मेन चीज़ क्या है कि डायरेक्शन किस फार्मूले से निकालेंगे और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे अगर हमें पी और क्यू दो फोर्स दिए हैं ठीक समझ रहे हो और आर मिनिमम कब होगा और आर मैक्सिमम कब होगा ये कैसे सॉल्व करेंगे इस जो है वीडियो में हमने इतना किया ठीक है। सो थैंक यू आज के लिए इतना ही धन्यवाद।